उत्तर प्रदेश को हरा भरा बनाए रखने के लिए सीएम योगी की पहल, प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित हुआ। मायावती ने भतीजे आकाश को फिर उत्तराधिकारी बनाया और यूपी को लेकर भी मिली है बड़ी जिम्मेदारी। भाजपा प्रवक्ता से अभद्रता, टीएसआई सस्पेंड, लखनऊ में चेकिंग के दौरान हुआ था विवाद। अयोध्या धाम स्टेशन की नई बाउंड्री वॉल पीएम मोदी ने 6 महीने पहले किया था उद्घाटन। दीपू हत्याकांड पर सियासत गरमाई, पीड़ित के घर जा रहे सांसद रामभुवन निषाद को पुलिस ने हिरासत में लिया। वक्त हो चुका है प्राइम उत्तर प्रदेश का। आकाश आनंद को बसपा का स्टार प्रचारक बनाए जाने पर पूर्व सांसद और सपा नेता डॉक्टर एस टी हसन ने बसपा की सुप्रीमो यानी कि मायावती पर निशाना साधा है। सपा नेता डॉक्टर एस टी हसन ने बताया है कि भाजपा के कहने पर पहले आकाश आनंद को हटाया था और अब भाजपा के कहने पर माफी मंगवाकर दोबारा से कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। आकाश आनंद जी ने शायद क्या बीजेपी के लिए कुछ ऐसी बातें कही थी जो बीजेपी वालों को नागवार गुजरी, चाहे वो उन्होंने आतंकवादी कहा हो या कुछ और कहा हो। उनके कहने पे हम समझते हैं उन्हें हटाया गया। और जब चुनाव ख़त्म हो गए और बीजेपी का काम हो गया, मायावती जी ने 16 सीटें हरवा दी हम लोगों की, तो हो सकता है बीजेपी से इजाज़त लेके या माफ़ी मंगवा के उन्हें दोबारा रीइंस्टेट कर दिया गया हो। अब दोबारा रीइंस्टेट हो गए।